चलिए आज बनाना सीखते हैं ताज़ा भुट्टे की कचौरियाँ, जो बहुत ही टेस्टी लगती हैं और बहुत ही अच्छी बनती हैं। कैसे बनाई देखते हैं। के आर एस में आपका स्वागत, और आज हम बना रहे हैं भुट्टे की कचौरी। जो मैंने पहले भी दिखाई थी तो वो थी देसी भुट्टे की, और ये है स्वीट कॉर्न की, और ये ताज़ा भुट्टे हैं, सूखे हुए बिल्कुल भी नहीं है। और ये अभी फ़िलहाल मैंने लिया आधा किलो आटा। अगर मैं मसाले के हिसाब से देखूँ कितना है तो कम लूँगी। अगर आधा किलो आटा लेती हूँ 150 ग्राम करीब मैं इसमें मोइन डाल लूँगी। और आप बिल्कुल खस्ता नहीं चाहते हो कि थोड़ा सा भाई कड़कपन भी आए कचौरियों में, तो आप कम ऑयल भी ले सकती हो। लेकिन ये मैंने फ़िलहाल आधा किलो आटा लिया है, और 2 बड़े भुट्टे और 3 हरी मिर्च ली हैं इसके अंदर। इनको मैं ये मिक्सर में पीस लूँगी पहले, और एक ही अदरक का टुकड़ा बारीक कट करके मैं भुट्टे के साथ में पीस लूँगी। ये देखिए भुट्टे, हरी मिर्च और अदरक को मैंने पीस लिया है, एक तरह से पिट्ठी बना ली है इसकी। और उससे पहले ये इसको रख देती हूँ एक साइड में, और उससे पहले हम गूंथते हैं आटा, ताकि आटे में भी लोच आ जाए जब तक, क्योंकि 15-20 मिनट हमको रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा आटा। तो सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। अब इस आटे के अंदर डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और ये मिला लेते हैं इसको, और हम 100 ग्राम के करीब तेल डालेंगे। पहले इसको मिला के देखते हैं, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये मुट्ठी बन के लड्डू बन जाए। अब इसको थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हम गूंथ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, सॉरी, और पानी लिया है गुनगुना मैंने। और आटा ज़्यादा टाइट नहीं गूंदेंगे, इसका सॉफ्ट ही रहेगा। आटा गूंदी, एक डो बना ले। ये आटा लग गया है हमारा, अब इसको ढक के रख देंगे 15-20 मिनट, और उसके बाद फिर थोड़ी सी लोच और लगाएंगे इसके अंदर। इसको अब ऐसे ही ढक के मैं रख दूंगी। अब हम तैयारी कर लेते हैं जो कचौरी में मसाला भरेंगे उसके। डाल लेते थोड़ा ऑयल, जो अपना नॉर्मली ऑयल होता है वो है ये। इसमें डालती थोड़ा सा साबुत धनिया और सौंफ, और 1 चम्मच जीरा, और इसमें डालते हैं हींग। हींग की खुशबू हर चीज में बहुत ही अच्छी लगती है। और 2 चम्मच खाने वाले लिया है मैंने बेसन। बेसन डालने का कारण ये होता है कि जो हमारी जो मसाला भरने के लिए बनाएंगे उसकी कचौरी के अंदर पकड़ अच्छी हो जाती है, और हम इसको अच्छे से मतलब कर सकते हैं। और गैस को कर देती हूँ चिंगर स्टीम में, और ये भुन गया है। अब डाल देती हूँ ये भुट्टे जो पीसे थे हमने, गैस को सीमी रखेंगे अभी। ये भी पूरा मसाला निकाल लेते, नहीं तो चिपक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अदरक भी है और भुट्टा खुद भी चिकना होता है तो चिपक जाएगा ये। 1 मिनट के लिए गैस को कर देते बंद। इसको हम सिम गैस पर ही भूनेंगे अभी। और ये साइड का उतारते जाएंगे, भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भुट्टे हमारे एक तरह से पिट्ठी बन गए हैं बिल्कुल, तो ऐसी चीजों को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। पिछली बार मैंने बताए थे देसी भुट्टे के, और जो थोड़े से सूख गए थे, टाइट हो गए थे, उनको मैंने बनाया था उबाल के पीस कर,
और ये बनाए हैं ताजा भुट्टे, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही मैंने पीस लिया है इनको। तो हम कोई भी चीज किसी तरह से भी बना सकते हैं, वो हर रूप में टेस्टी लगती है। मसाले अपने हिसाब के होने चाहिए, जैसे आप पसंद करते हो। इसमें डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी काली मिर्ची और हल्की सी हल्दी। और आपके पास गरम मसाला है तो गरम मसाला भी डालिए, बिल्कुल थोड़ा डालें गरम मसाला। धीरे धीरे इसको भुनने तक और पानी सूखने तक हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे, इसलिए चलाना बहुत जरूरी है इसको। अब इस मसाले ने कढ़ाई में चिपकना बंद कर दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला हो गया है तैयार। और हम इसको नीचे उतार के ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उधर लगा लेते हैं आटे में लोच। बाकी मसाला ठंडा हो रहा है और ये मैंने गोले बना लिए हैं। और अब तैयारी करते हैं कचौरी की। और ऑयल मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, धीमी गैस में, क्योंकि इसको तेज तेल नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल मीडियम चाहिए। और तेज तेल में जल जाएंगे लेकिन मसाला भुनेगा नहीं और कच्चापन आएगा उनके अंदर। ये मैंने बेल लिया, ये बेल के इसमें भर लिया, और आप हथेली से भी कर सकते हो। और इसको अब ऐसे कवर कर देंगे, ऐसे करके कवर कर देंगे और ऊपर ये उठा लेंगे इसको, और जितना फालतू होगा हम तोड़ के इसको अलग रख देंगे। और फिर हथेली की दबाने, हथेली की सहायता से इसको दबा कर, ये ध्यान रहे कहीं दरार ना हो, फूटने नहीं पाए कचौरी। और इसको सिम गैस में ही हम देखते हैं तेल हो गया क्या, शायद मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गया है, नहीं ठीक है, ये कमी है अभी। इसमें हम डाल देते हैं ये कचौरी, एक बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको हथेली की सहायता से ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए एक भी इसके अंदर दरार नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, एक गोला अंदर रखा, चारों तरफ से ऐसे फोल्ड किया और ऊपर का जितना आटा ज्यादा होगा हम इसको ऐसे तोड़ देंगे। ये थोड़ी ऊपर रह गई है, ये सिकने के बाद अपने आप ऊपर आती कचौरियां। ये देखिए ऐसे, ताकि मसाला भी हमारा चारों तरफ फैल जाए। और ये मैदा की कचौरी नहीं है, हो सकता है थोड़े सांवले कलर की लगे, ये आटे की कचौरियां हैं। ये देखिए देखो, बीच में थोड़ा सा तेज तेल हो गया था तो कैसी कचौरी बनी, वो कचौरी अच्छी कभी भी नहीं बनती है। ये देखिए ये दोनों तरफ से एकदम से सिक गई है। तो कचौरी का तेल बहुत मीडियम होना चाहिए, ये गलती से तेज हो गया था तो ऐसी बनी है वो। और ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसके साथ लेंगे हम चिल्ली सॉस, केचप, इमली की चटनी और सेजवान चटनी, जिसको जिससे पसंद हो उससे खा सकते हैं। और मेरे यहाँ दही कचौरी भी खा लेते हैं। कचौरियाँ बनकर हो गई है तैयार। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ज़्यादा सजा धजा के नहीं दिखा रही हूँ, जो मैंने कचौरियाँ बनाई हैं जैसे मसाला बनाया वो दिखा रही हूँ। और इसके साथ में है ये चिली सॉस, और प्लेन सॉस रहेगा, मीठा केचप, इमली की चटनी चाहिए तो इमली की चटनी, और दही चाहिएगी तो किसी को दही। और फिर बोल रही हूँ मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।